बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है बहुत ही झटपट से तैयार हो जाने वाली और बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी तवा कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं अपनी झटपट स्पाइसी मज़ेदार सी रेसिपी। तो तवा कलेजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कलेजी ले ली है आधा किलो यानी 500 ग्राम। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, सिरका के पानी में वॉश किया है, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया है, अच्छा सा कलर हो गया है, बिल्कुल क्लीन हो चुका है ये। और इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट ले रही हूँ 1/2 टीस्पून। मैंने इसी में मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया था। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। हल्दी इसमें थोड़ी सी जाएगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्च 1 अदद चॉप करके ले ली है। गरम मसाला पाउडर, ये घर का गरम मसाला पाउडर है, 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। दही ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ रोस्टेड क्रश किया हुआ ज़ीरा है 1 टीस्पून और रोस्टेड क्रश किया हुआ धनिया है 1 टीस्पून। दोनों को रोस्ट किया है, ड्राई रोस्ट करना है और इसका दरदरा सा पाउडर बनाना है। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है, ज़रा मोटा मोटा सा रखना है इस तरह से। और अब इसमें से 1 टीस्पून के बराबर मैं बचा लूँगी लास्ट में ऐड करने के लिए। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी है, ये 2 टीस्पून कसूरी मेथी ले ली है, ये भी मैं थोड़ा सा बचा लूँगी इसमें लास्ट में ऐड करने के लिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। अगर आप लोगों को स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप इसमें कम कर सकते हैं, मिर्च मसाला आप अपने हिसाब से इसमें कम कर सकते हैं। याद रखिए कभी भी कलेजी में नमक पहले नहीं ऐड करना है, नमक मैं बताऊंगी आगे किस वक्त ऐड करना है। तो अब इन सब मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया है मैंने ढककर। और अब यहाँ पर तवा ले लिया है और उसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1/2 कप ऑयल। 1/2 कप ऑयल ऐड करने के बाद इसमें जब ऑयल गरम हो जाएगा हल्का सा तो फिर इसमें ऐड कर देंगे हम कलेजी जो हमने मैरिनेट करके रखी थी। देखिए इस तरह से कलर हो गया है इसका और अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसमें ऐड करने के बाद इसका फ्लेम आपको मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। इसको ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे क्योंकि आप जितनी देर कलेजी को कुक करेंगे कलेजी उतनी ही सख्त होती जाएगी। तो देखिए अभी 5 से 6 मिनट हुए हैं, पानी छोड़ दिया है कलेजी ने, इसका पानी निकला है, दही वगैरह जो हमने ऐड किया था उसका पानी निकला है। बस इस पानी को हमें खुश करना है। आप फ्लेम चेक कर सकते हैं, इसके बबल्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडियम फ्लेम है, लो नहीं है ना ही हाई है। तो इसी फ्लेम में आपको कलेजी को कुक करना है। तो बस देखें इसको सिर्फ हमें भूनना है, भूनते भूनते ही ये कुक हो जाएगी आराम से। अब आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। तो देखिए कलेजी भी अभी भी सॉफ्ट है, अभी भी मैंने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। और अब वो बचा हुआ मसाला जो हमने रखा था क्रश किया हुआ धनिया और ज़ीरा, वो ऐड कर दिया है और कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। तो देखिए ये भुन चुका है, इस पॉइंट पर हमें ऐड करना है नमक। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। टोटल कुकिंग टाइम सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट है। 15 मिनट में ये तवा कलेजी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। नमक बिल्कुल एंड में आपको डालना है, नमक डालकर बस 1 मिनट चलाएंगे और फिर उसको डिश आउट कर देंगे। तो देखें हरा धनिया चॉप किया हुआ मैंने ऐड कर दिया है इसमें और अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं अच्छा सा प्याज और लेमन के साथ, तो ये बहुत मज़े का लगता है। इसके ऊपर लेमन जूस या चाट मसाला आप छिड़क कर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, नान के साथ, जैसे भी आप चाहें वैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही आसान और झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये ज़बरदस्त स्पाइसी तवा कलेजी की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने फैमिली से, फ्रेंड से और बेल आइकन को क्लिक करें, इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर लेकर आऊँगी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।